क्या बन रहा है किचन में? आज बन रहा है कटहल। कटहल बनाऊंगी। अभी मैं बनाया हूँ तीत करला फ्राई। रोज रोज तो तीत करला तो बनता ही है। बनता ही है, तीता तो होता ही है। ये लौकी है, लौकी का छिलका है ना, उससे तो फ्राई बनाया। गांव में क्या होता है ना, लौकी का जो छिलका होता है ना, वो भी फ्राई करके खाया जाता है आलू की तरह, है ना। हाँ, लौकी का छिलका फ्राई। और मैंने थोड़ा सा खीरा से और मूंग दाल है ना, मूंग दाल से थोड़ा बनाया ये मम्मी के लिए। मूंग दाल और खीरा से, खीरा खीरा से बनाया। तो अभी मैं बनाऊंगी कटहल। कटहल बनेगा। मैंने बॉईल किया, ये देखिए मैंने बॉईल करके रखी हूँ, अभी मैं बनाऊंगी। तो बॉईल क्यों किया इसको? इसको बॉईल नहीं करने से उसको जो आटा होता है ना, स्टिकी गम जो होता है, हाँ, वो लग जाता है। और बॉईल करने से उसका थोड़ा नरम होता है, जल्दी जल्दी हो जाता है। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये रोटी है थोड़ा सा। देखिए हमारा दीदी का स्टाइल है, जो रोटी बच जाती है ना उसको फ्राई कर लेती है, दूसरे दिन एक तरक सा बन जाता है, हाँ। है ना, क्रंची टाइप का, हाँ। फिर वही खाते है। ये सुबह का रोटी है। सुबह का रोटी, अभी मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। तो मतलब फेंकती नहीं है, बचाती है। बचा के अच्छा भी लगता खाने में ना, बहुत टेस्टी है। चाय के साथ एकदम क्रंची टाइप का। देखो गरम है, चाय के साथ पीने के लिए, चाय के साथ खाने के लिए। तो आज ये फ्राई और कटहल का सब्जी है ना? हाँ, ये फ्राई और कटहल का सब्जी आज दोपहर के लिए बना रही हूँ। मैंने बनाया नहीं कटहल, अभी बनाऊंगी। और घर का मसाला मैंने पीस के रखी हूँ, ये देखिए, सूखा लंका और सूखा मिर्च और लहसुन आधा और क्या बोलते हैं टमाटर, सब मिला के मैंने पेस्ट किया। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। घर का मसाला है ये, मेरा हो चुकी है, इसको उठाऊंगी। आज ज्यादातर फ्राई है, हाँ, है ना, और हाँ, कटहल का सब्जी, हाँ। कटहल का सब्जी भी दीदी अच्छा से बनाती है, एकदम किचन की तरह, चिकन की तरह लगती है, हाँ। और अभी सीजन भी है कटहल का। कटहल का सीजन है, अभी कटहल का कटहल बनाऊंगी, आलू से बनाएगी दीदी, बनाऊंगी। अभी मैं इसको, ये इलायची है और गरम मसाला है, दालचीनी है, इलायची है, थोड़ा सा लौंग है, गुलमरीच, मैं इसको डाल दिया तेल में। और उसके बाद तेज पत्ता, अच्छा लगता है, हो गया। थोड़ा सा जीरा डालूंगी, जीरा अभी मैं सब्जी डाल रही हूं। जो बॉईल किया हुआ है जो कटहल, हाँ। वो आलू डाल देगी दीदी, थोड़ा आलू भी डाला, आलू के साथ ही बनता है ना, हाँ। आलू के साथ अच्छा लगता है। ये भी डाल के इसको बॉईल किया, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा तेल, जो इसका आटा होता है ना वो हाथ पे नहीं लगती है। पहले हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जीरा गुड़ा, इसके बाद
थोड़ा फ्राई होने के लिए थोड़ा फ्राई होगा और अभी मैं ढाक दूंगी इसको। फ्राई होने के बाद मसाला डालूंगी।